पीछे को काटो, पीछे को मतलब दोनों का प्राइस बताइए ज़रा। ये 250 का, ये देखो यहाँ के पास बंद हो गया। अच्छा दोनों 250 के हैं। हाँ जी, फोन पे 250। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नया दिन और नई शुरुआत। आज संडे है, 29th of November, और हम लोग अभी कलगा विलेज में हैं और अभी टाइम हो रहा होगा 7:15 के आसपास, और हम लोग खीर गंगा के ट्रैक करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कितनी आइस है वहाँ पे और हाइकिंग पॉसिबल है कि नहीं वहाँ पे। अगर नहीं पॉसिबल होगी तो वापस आ जाएंगे, वरना हमारा प्लान है कि खीर गंगा में जाके वहाँ के व्यू देखना। तो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो खीर गंगा का रास्ता जो है वो तोश की तरफ, आप थोड़ी सी दूर पे आओगे डैम से तो आपको एक कैफ़े दिखेगा, तो कैफ़े से आपको राइट लेना है, तो कुछ इस तरीके का कैफ़े है वो। और उसके बाद फिर ये है अपना रास्ता, खीर गंगा का स्टार्ट हो जाता है। दो किलोमीटर के आसपास हाइक कर चुके हैं और रास्ता उतना ख़राब भी नहीं है, हालांकि 4 दिन से ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो अगर आपके पास अच्छे शूज़ हैं, आपके पास ट्रैकिंग पोल है, तो आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ के मैं नज़ारे दिखा देता हूँ कुछ। कुछ 3 से 3.5 किलोमीटर की हाइक हमने कर ली है और यहाँ पे एक मार्किंग है खीर गंगा की। इस तरह की मार्किंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फॉर सोलो हाइकर्स एंड ऑल। एक मार्किंग यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 रास्ते हैं आगे, तो इसके लिए यहाँ पे मार्किंग की गई है। अभी मैं अकेले ही हाइक कर रहा हूँ, सोलो हाइक कर रहा हूँ, क्योंकि रविंद्र बहुत आगे जा चुके हैं और आप देख सकते हो कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो कोई बात नहीं, ये मार्किंग्स दीज आर रियली हेल्पफुल और सोलो हाइकर्स है ना, तो कर लेंगे अपन। तो गाइस, हम लोग अभी नत्थान पहुंच चुके हैं। आप खीर गंगा जाओगे तो रास्ते में ही आपको ये नत्थान विलेज मिलेगा। ये हैं यहाँ के कुछ नज़ारे,
और सबसे अच्छी बात यहाँ पे फेंसिंग भी की गई है, तो जो भी खीर गंगा के लिए हाइक करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं इस विलेज में। तो रविंद्र पहले से यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ नमस्ते भाई जी। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये मिनी एवलांच है। तो ये ऊपर से बर्फ़ गिरती है और बहुत तेज़ी से गिरती है और ये नीचे तक गई हुई है। तो अगर आप एक बार फंस गए तो फिर नीचे ही जाके रुकोगे। अभी हम लोग को एक धर्मशाला भी दिखा है, तो अगर किसी को रुकना हुआ इतनी ऊपर तो ये वो धर्मशाला है जहाँ पे आप रुक सकते हो। पास में यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है छोटा सा, और व्यू बहुत यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है। इतनी ऊपर आके हमें मतलब देखने को मिल रहा है इतना ढेर सारी बर्फ। सो ऐसा रास्ता होता है खीर गंगा का ड्यूरिंग द स्नोफॉल एंड ऑल। रास्ता बहुत ही स्लिपरी है, अगर आपके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगी आपको। आप बहुत कॉर्नर पर भी नहीं चल सकते हो क्योंकि ये बर्फ़ बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये पूरी बर्फ़ नीचे चली जाएगी। और अभी करीब 3 किलोमीटर और हाइक करना है, और सबसे मुश्किल बात ये है कि ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा स्लोप है, ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे और ताकत लगती है। तो देखते हैं, अभी तो टाइम 12:05 के आसपास हो रहा है। कोशिश है कि 1 बजे तक हम लोग खीर गंगा पहुँच जाएँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आपको एक पहले एवलांच दिखाया था, वो छोटा वाला था, ये देखिए एक बड़ा एवलांच जिसने ऊपर की सारे पेड़ और तोड़ डाले हैं और रास्ता भी ख़त्म कर दिया है। अगर इस एवलांच में आप आते हो तो शायद ही ज़िंदा बच पाओ। तो ये तबाही मचा दी है इस एवलांच ने। उस एवलांच को पार कर लिया है अभी हमने।
ये खीर गंगा का गर्म कुंड है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा नहाएंगे धोएंगे और फिर वापस जाके हमने ऑर्डर कर रखा है खाना, वहाँ पे हम लंच करेंगे और फिर आज ही वापस कलगा को।